हरिद्वार में बीजेपी जिला अध्यक्ष की सीट को लेकर जहां घमासान मचा हुआ है, वहीं पार्टी में गुटबाजी का मामला भी फिलहाल चरम पर है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के बीच हो रही रस्साकशी में हरिद्वार भाजपा जिला अध्यक्ष की कुर्सी का फैसला अधर में लटका हुआ है। इसको लेकर हरिद्वार मेयर का कहना है कि हमारे बीच कोई गुटबाजी नहीं है और जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा वह जिले में बीजेपी के दिशा निर्देशानुसार ही पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। देखिए, जो संगठन के पद है इसमें संगठन अपने हिसाब से निर्णय लेता है और जहां तक नाम चलने की बात है, संगठन में अनेक ऐसे कार्यकर्ता है हमारे यहाँ जो इस पद को संभालने में सक्षम है और इन सब नामों में से जिसका भी वार्षिक संगठन निर्णय लेगा निश्चित रूप से पार्टी का काम करेगा, पार्टी के कार्यकर्ता को साथ लेकर चलेगा। कौन को गुट नजर आते हैं, बाकी सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी अपनी जो जिम्मेदारी मिलती है सबको साथ लेकर सभी कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। पार्टी का निर्णय, जिसको भी जो निर्णय लेता है पार्टी, तो उसमें हर कार्यकर्ता अपने आप को अपना सौभाग्य और गौरव महसूस करता है और पार्टी जहां पे भी जिसको जिस काम के लिए जिम्मेदारी देगी तो उसमें उसको काम करना चाहिए। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही है, सदर सिंगाल भी तो नहीं आया, लेकिन जल्दी ही निर्णय होंगे क्योंकि सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई, मुझे लगता है जल्दी ही निर्णय। वही भाजपा नेत्री का कहना है कि फिलहाल बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं है और अगर कोई महिला अध्यक्ष बनती है तो हम इसका स्वागत करते हैं और जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा पार्टी के हित में काम करेगा। कामनी सड़ाना, मंडल अध्यक्ष मध्यम द्वार। ऐसा है कि जो हमारी संगठन है वो सोच समझ के निर्णय लेता है, जो भी वो निर्णय लेगा सही लेगा और जो भी जिलाध्यक्ष बनेंगे वो अच्छी तरह से ही काम करेंगे और ये निर्णय संगठन के ऊपर ही निर्धारित है, आम जनता तो इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती। ऐसा है कि जयपाल जी जो अभी थे उनका नाम भी है, राकेश राजपूत जी का भी है, महिलाओं में से भी है नाम एक दो, और इनका विकास तिवारी जी का भी है, तो हम तो ये चाहेंगे कि जो भी जिलाध्यक्ष बने वो अपना पूर्ण रूप से अच्छी तरह से ईमानदारी से अपने जिले को चलाए और ऐसा नहीं है कि जयपाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। अब जैसे वहां से रुड़की से कल्पना सैनी जी रही अध्यक्ष, तो उसमें यही आता है कि अगर उसको मर्ज करा गया दोनों जिलों को, एक जिला बनाया गया रुड़की और हरिद्वार को, और वहां यहाँ से जयपाल जी, वहां से कल्पना सैनी जी, और दावेदार तो फिर दोनों है। इसमें भी उनको लगता हुआ कि अगर हम जयपाल जी को बनाए, कल्पना सैनी जी भी उसमें इंटरेस्टेड है कि हाँ मैं भी तो हूँ, तो सेम पोजीशन पे दोनों थे, तो इसलिए अब संगठन को यही लग रहा है कि हम बड़ा सोच समझ के निर्णय लें और जो उनका निर्णय होगा वो सिरोधार्य है।